करने से कुछ नहीं हुआ, वो संकेतों की राजनीति कर रहे हैं। उनके जो आसपास सलाहकार लोग हैं वो लाडली बहना को प्रमोट कर रहे हैं, वो लगातार ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रमों में। लाडली बहना उनके पास जा रही है, वो उनको धन्यवाद दे रही है, उनके साथ गाना गा रही है। आप कह रहे हैं कि अंदर अंदर तो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हैं लेकिन ऊपर से दिखा नहीं रहे। लेकिन साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात ये भी कि अगर केंद्रीय चेहरों को आप चुनाव में उतार रहे हैं, अगर उनका इस्तीफा करा के आप विधायक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी अब आगे देना चाहते हैं, तो उन केंद्रीय चेहरों को आप एक नाम पर सहमत कैसे करेंगे? देखिए, सहमति और असहमति का सवाल नहीं होता, क्योंकि तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री जिन्हें चुनाव लड़ा है वो जीत कर भी आए, सबने ये कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, ये मोदी मैजिक है जिसके कारण हम जीत कर आए। और लाडली बहना की योजना को उन्होंने बहुत कमतर आंका है, बहुत कम श्रेय दिया है, वो सभी इस बात को नहीं मान रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी उम्मीदवार, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, जो तय कर लिया जाएगा वो तय हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में इसलिए सहमति बनाने की कोशिश की गई है, बड़े नेता के तौर पर राजनाथ सिंह हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो नाम लिया जाएगा उसको सभी को स्वीकारना पड़ेगा। हाँ, रमन सिंह जरूर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं संकेतों के जरिए, बातचीत के जरिए, कि भाई अगर उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया जाता है तो उनकी सहमति से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाए। और इस कड़ी में उनके दो नाम है, एक नाम विष्णुदेव साय है, दूसरा नाम ओपी चौधरी है। लेकिन पार्टी आला कमान अरुण साव पर सहमति बनाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो मानता है पहली बार अरुण साव साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू समाज की है। ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने आगे किया था प्रदेश अध्यक्ष बना के, आपको याद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। तो साहू समाज यानी कि जिस समाज से नरेंद्र मोदी आते हैं उसी समाज से अरुण साव आते हैं और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आबादी है। दुर्ग संभाग को प्रतिनिधित्व मिल गया है, रायपुर संभाग को प्रतिनिधित्व मिल गया है, लेकिन बिलासपुर संभाग को अभी तक छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो बिलासपुर से आते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद पटेल है। अच्छा, आपकी बातों में भी इशारा मिल गया मनोज मनु, आपकी बातों में भी इशारा मिल गया कि भाई देखिए आसान राज्य है छत्तीसगढ़, वहां आज ऐलान हो जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अरविंद सर हैं, अजीत मंदोला जी हैं, आगे